सभी प्रकृति प्रेमियों को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेचर लवर अज्जू के एक और नए वीडियो में। साथियों, ये जो प्लांट देख रहे हैं ये एक्जोरा को जो है हम आज कटिंग से ग्रो करने वाले हैं। ये इसका हम कुछ कटिंग्स ले लेते हैं। एक्जोरा जो प्लांट है इसको कटिंग से कैसे ग्रो किया जाता है ये दिखाने वाला हूँ मैं आज के वीडियो में। कटिंग हम ले लेते हैं और इसको कैसे लगाते हैं कटिंग वो देखिए। और ये अलग अलग कलर में आता है, मेरे पास वैसे रेड कलर है और ऑरेंज कलर का है। ये पांच जो कटिंग है एक्जोरा की हमने ले ली है। इस तरह से देखिए कितना बड़ा बड़ा स्टेम्प है और ज़्यादा लंबा नहीं लिए हैं हमने, छोटा छोटा लिए हैं। तो इसको जो है हम अभी सैंड सॉइल में लगाने वाले हैं कटिंग को। तो उसके लिए हमको इस तरह का स्टेम जो है वो ले लेना है। और ये डिस्पोजल गिलास है, डिस्पोजल गिलास में हम सैंड यहाँ पे डाल दिए हैं। ग्लास में ज़रूर होल कर लीजिएगा ड्रेनेज के लिए, क्योंकि उसमें जो पानी है वो पानी निकल जाए एक्स्ट्रा जो भी पानी होगा। और सैंड सॉइल जो होता है कोई भी कटिंग ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट मीडिया माना जाता है, सॉइल माना जाता है, क्योंकि इसमें फंगस जो है फंगस नहीं लगता है और नमी जो है बरकरार रहता है, वेट मॉइस्चर जो है वो कंटिन्यू बना रहता है। इससे ग्रो जो है जल्दी कर जाता है, रूटिंग जो है जल्दी बन जाते हैं। तो इस तरह देखिए एक लगा लिए हम लोग, थोड़ा सा एक डंडे से जगह बना लेते हैं और फिर ये जो कटिंग हमने लिया है वो कटिंग को इसमें लगाते जा रहे हैं। ये तीसरा भी जो है वो हमारा लग चुका है और ये चौथा पांचवा, मतलब पांच जो टोटल हैं हमारे पास कटिंग, पांचों को हम इसी तरह से लगा दे रहे हैं। तो ये पांच जो कटिंग है, पांच कटिंग हमारी लग गई है। तो इसको लगाने के बाद हमको सैडी पैलेस में रखना है। अगर धूप आ रही हो तो डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, क्योंकि सनलाइट जो है वो थोड़ा सा हार्मफुल होता है कोई भी कटिंग लगाते हैं तो सैडी पैलेस में रखें। इसमें बहुत ही जल्दी रूट जो है बाउंड हो जाता है, रूट जो है बनने लग जाता है। तो ये लग चुका है हमारा और आपको दिखाते हैं, हमने पहले भी कुछ कटिंग जो है लगाए थे उसमें रूट्स किस तरह से बने हुए हैं। कुछ प्लांट जो है हमने पहले लगाए हुए थे कटिंग जो है वो सैंड सॉइल में इसी तरह से लगाए थे। तो ये देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया है, रूट जो है इसमें डेवलप हो गई हैं। तो दिखाते हैं रूट किस तरह से डेवलप हुई हैं। लगभग 15 दिन पहले इन प्लांट्स को कटिंग से लगाया गया था। इसको अभी हम लोग कट करके देख रहे हैं रूट किस तरह से इसमें डेवलप हुए हैं। प्योर सैंड सॉइल जो है उसी में इसको लगा के रखे हुए थे। तो अभी चेक कर रहे हैं रूट जो है कितना अच्छे से आया है, क्योंकि 15 दिन हो चुके हैं इसको लगाए हुए। ये देखिए रूट जो हैं कितने अच्छे से इसमें डेवलप हुई हैं। तो इस तरह से रूट जो है बन चुका है इसमें। तो इसको अभी हम ग्रो बैग में शिफ्ट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा रूट जो है आया हुआ है, देख सकते हैं आपको दिख ही रहा होगा। तो ये बस 15 दिन पहले ही सैंड में इसको लगाए हुए थे, बहुत ही अच्छा इसमें रूट जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं। एक और जो ग्लास है इसमें भी हमने लगाया हुआ था, तो इसको भी देखते हैं इसमें किस तरह से ग्रो किया हुआ है, रूट जो हैं डेवलप हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसको भी हम कट कर लेते हैं एक बार डिस्पोजल ग्लास को। बहुत छोटा छोटा सा रूट जो है वो आया हुआ है, देख सकते हैं ये अभी अच्छे से नहीं हो पाया, बट रूट इसमें भी आ गए हैं। ये देखिए ऊपर से रूट जो है इसमें आ रहे थे, ऊपर जो तना है वहाँ से रूट आए हैं, नीचे में भी थोड़ा सा रूट जो है वो आ गया है। लगाते हैं इनको दूसरे ग्रो बैग में मिट्टी के साथ में। तो अभी हम लोग बनाने वाले हैं मिट्टी जिसमें हम इसको लगाने वाले हैं, शिफ्ट करने वाले हैं। तो ये सैंड सॉइल भी हम मिक्स करेंगे और मिट्टी किस तरह से बनाते हैं वो दिखाते हैं। अभी हम सॉइल जो है वो रेडी कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं ये नॉर्मल सॉइल है, इसमें कुछ ये है वर्मी कम्पोस्ट और ये सैंड सॉइल है। तो इन तीनों को हम मिक्स करके जो है सॉइल रेडी करने वाले हैं और इसको प्लांट को लगाने के लिए सबको हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे। मिट्टी है, फिर इसमें 40% जो है वर्मी कंपोस्ट है, 30-40% सैंड सॉइल है। सबको मिला के ये सॉइल है हम अच्छे से रेडी कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉइल जो है हमारी लगभग रेडी हो गई है। अब इसको हम मिट्टी को ग्रो बैग में डाल रहे हैं। ये ग्रो बैग जो है लेके आए हुए थे, तो जितना ज़रूरत हो उतना आप इसमें सॉइल जो है वो डाल लें। 15 दिन में ही देखिए ये जो एक्जोरा का प्लांट है 15 दिन में किस तरह से रूट इसके निकल आए हैं और कितना अच्छा डेवलपमेंट जो है प्रोग्रेस जो है वो आपको नज़र आ ही रहा होगा। तो इसको हम इसमें लगाने वाले हैं ग्रो बैग में, अभी इस तरह से लगा देंगे इसमें।
जब आप लगाएंगे इसको प्लांट को तो इसका ध्यान रखिएगा कि जो रूट्स हैं रूट्स डैमेज ना हो, दबे ना, ठीक अच्छे से इसको मिट्टी रखना है आपको ऊपर ऊपर में, क्योंकि अगर रूट डैमेज हो जाते हैं तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। हमारा एक्जोरा जो है वो लग चुका है। कटिंग से कैसे लगाना था वो मैंने बता दिया, कटिंग से जो लगाए थे उसका ग्रोथ कैसे हुआ, 15 दिन में रूट्स कैसे आए वो भी आपने देख लिया, और उसको हमने ये ग्रो बैग में शिफ्ट भी कर लिया। आई होप आप लोगों को आज का एक्जोरा प्लांट का कटिंग का यह जो वीडियो है पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्लांट्स एंड नेचर के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।